नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर। मौसम को लेकर जो स्थिति है उसमें दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है वो लौटने की स्थिति में, एक तरह से कहने की मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि सितंबर का जो आखिरी सप्ताह था उसमें जो है मानसून लौट चुका है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है वो कहा जा रहा है कि पोस्ट मानसून है, यानी कि अब जो है मानसून खत्म होने के बाद जो बारिश होती है उसके बाद से ठंड का जो आगमन का दौर शुरू होता है उसमें जो है बारिश हो रही है। उसके अलावा जो है दो तीन और कंडीशन बन रहा है, उसमें जो है एक चक्रवातीय परिसंचरण है जिसके कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली से बिहार तक, यानी कि कह रहे हैं कि 20 ऐसे ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं जहां पे इन दिनों बारिश जैसे हालात हैं, वो एक चक्रवात का असर है जिसके चलते जो है इन दिनों बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा गया मौसम विभाग की तरफ से कि प्रदेश में जो है 15 से 20 अक्टूबर के आसपास ठंड बढ़ सकती है और इस बार जो है होली और छठ का जो माहौल होगा वो ठंडे माहौल में होगा, यानी कि ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कोहरे जैसे हालात इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो मौसम विभाग ने अभी से जो है बारिश को लेकर तो अलर्ट जारी कर ही दिया, साथ ही साथ ठंड को लेकर भी जो है मौसम विभाग ने इस बार अलर्ट अभी से ही जारी कर दिया। तो हम आगे की स्थितियों को देखेंगे कि प्रदेश में किस तरह की स्थिति है बारिश को लेकर। तो खास करके अगर हम अगले कुछ घंटों की बात कर लें तो उसमें औरंगाबाद, रोहतास में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की संभावना, साथ ही साथ इन इलाकों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन इलाकों में जो है अभी विभाग जो है बातचीत की स्थिति में है कि बारिश की क्या स्थिति हो सकती है। यानी कि साफ तौर पे ये कहा गया है कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और साथ ही साथ मेघ गर्जन और वज्रपात, ये सबसे अहम कड़ी रहा है हर बार के बरसात में। तो वज्रपात के आसार है, साथ ही साथ वर्षा होने की पूरी संभावना जो है मौसम विभाग ने जारी कर दी, जिसमें औरंगाबाद और रोहतास को लेकर खास करके जो है बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले की स्थिति को देखें तो इसमें जो है एक बार फिर से येलो अलर्ट ही जारी किया गया है। भोजपुर, गया, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, इन इलाकों में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ इन इलाकों में लोगों को ये भी कहा गया है कि आप जो है सतर्क रहें, ऊंचे पेड़ों के नीचे न रहें, क्योंकि जो खुले में जो किसान होते हैं काम करते हैं खेतों में तो वो अपना बारिश से बचने के लिए जो शरण लेते हैं उनमें जो है बिजली के खंभे एक बड़ा है और दूसरा जो है वो पेड़ के नीचे जो है वो शरण लेने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि इन इलाकों में जो है या फिर इन जगहों पर जो है वज्रपात होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि इन दोनों जगहों पर आपको नहीं रहना है। अगर आपको लगे कि मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो सकती है, तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है, तो हो सके तो आप अपने नजदीकी आसपास के जो पक्के मकान हैं उन जगहों घरों में जाएं ताकि आपकी जो है जान बच सके। तो मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। भोजपुर, गया, जहानाबाद, अररिया, मुंगेर, समस्तीपुर, इन इलाकों में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की पूरी संभावना है। अगला जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन ये जो इलाके हैं वो है दरभंगा, राजधानी पटना, समस्तीपुर, वैशाली, इन इलाकों में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आसमान में जो है इन इलाकों में बारिश जैसे हालात भी लग रहे हैं, बादल छाया हुआ पूरी तरीके से। और आप देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया, इसमें साफ तौर पर लोगों को सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ऊँचे पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास ना रहें। किसान अगर खेत में काम कर रहे हैं तो अगर मौसम की जो स्थिति दिख रही है उसके अनुसार जो है वो अपना घर की तरफ लौट जाए, या फिर हमने पहले भी कहा कि पक्के मकानों की तरफ जो है आप लौट सकते हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो ये अपडेट जारी है जिसमें दरभंगा, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, इन जिलों के लिए जो अपडेट है वो 1:51 से 4:51, यानी कि करीब करीब 5 बजे की अवधि तक जो है बारिश जैसे हालात इन इलाकों में देखने को मिल सकते हैं या फिर बारिश हो सकती है, ये दो जो है कंडीशन जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अगले स्लाइड की तरफ देखें तो ये है मुजफ्फरपुर जिला, यहाँ भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मुजफ्फरपुर जिले में जो है अगले 2 से 3 घंटे तक बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। और ये जो अपडेट है ये 4:30 बजे तक जो है इन इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ ये मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई जिसमें साफ तौर पर किसानों से लेकर आम लोगों के लिए भी जो है ये चेतावनी है, जिसमें उन्हें कहा गया कि आप बारिश के दौरान जो है
पक्के मकानों में रहे, ऊंचे पेड़ के नीचे छिपने की भी कोशिश न करें। अगर हम अगले स्थितियों को देखें कि क्या है मौसम विभाग की तरफ से, तो ये जो है ये पिछले 24 घंटे की स्थिति है बारिश को लेकर, कि किस तरह की स्थिति रही है प्रदेश में बारिश को लेकर। तो ये जो आप पूरा नीला निशान जो आप हम सब देख पा रहे हैं, इसकी जो स्थिति है इन इलाकों में जो है बारिश जैसे हालात रहे हैं पिछले 24 घंटों में। और ये देखिए एक पूरी तरीके से एक लाइन बन रही है, एक चेन बन रही है बारिश को लेकर, जो कि ये दर्शा रहा है कि खास करके हम इसको ऐसे देखें तो ये दर्शा रहा है कि एक चेन है जो कि बारिश का वो बनता हुआ दिख रहा है और इन इलाकों में जो है बारिश हो रही है। आप ऐसे भी समझें कि ये वो पूरा इलाका है जहाँ पे प्रदेश में मानसून की एंट्री होती है इन इलाकों में, खास करके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और ये सुपौल, ये इलाके जो हैं इन इलाकों में मानसून की दस्तक होती है। पूर्णिया को कहा जाता है कि प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की, यानी कि बरसात का जो पहले महीने में जो बारिश होती है केरल के और एक तरह से बंगाल की खाड़ी होते हुए, ये पूर्णिया का ये इलाका है जहाँ से बारिश की दस्तक होती है और इन्हीं इलाकों में बारिश होते हुए पूरे प्रदेश में बारिश जैसे हालात होते हैं। लेकिन ये जो चेन बन रहा है इन इलाकों में जो है बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। जिन इलाकों में आप वाइट जिन जिलों को देख रहे हैं, उजला जिन जिलों को देख रहे हैं, इन इलाकों में बारिश जैसे हालात नहीं रहे हैं। और इसका जो है एक बड़ा हिस्सा देख ले कि मध्य बिहार जो है इसकी चपेट में है और ऊपर और नीचे के जो जिले हैं इन इलाकों में जो है बारिश जैसे कमोबेश स्थितियाँ बारिश जैसे रही है, खास करके गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, इन इलाकों में जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून के चलते जो है बहुत कम बारिश दर्ज की गई है इन इलाकों में। खास करके यहाँ पे बारिश के दौरान अगर हम बरसात की बात कर लें तो इन इलाकों में जो है सूखे जैसे हालात रहे, नदियों के जलस्तर में जो है पानी की कमी हो गई थी। तो ऐसे में अब जो है पोस्ट मानसून जो एक बार लौटते हुए मानसून के कारण जो बारिश हो रही है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। एक दूसरी स्थिति भी ये भी है कि नेपाल के जो है तराई वाले जो इलाके हैं इन इलाकों में जो है ये बारिश देखने को मिली है, तो और उसके चलते जो है बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो कई ऐसे ज़िले हैं इन सब के जो है उसमें जो है बारिश जैसे हालात बन रहे, खास करके गंगा के आसपास के जो इलाके हैं उसमें, गंडक के जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में जो है बारिश जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके अगर हम देखें तो ये इस चंपारण का जो ये पूरा इलाका है, गोपालगंज का ये इलाका है, इन इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये था प्रदेश में अगले 2 से 3 घंटों की अगर हम बारिश की बात करें तो बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।